जय श्री राम। थोड़ा ऊपर करो। श्री प्यारे लाल जी, जो कि 76 वर्ष के थे, जो अपने जीवन की 76 वर्ष की यात्रा पूर्ण करके परमपिता परमात्मा के चरणों में समाहित हो गए, इनका जो जीवन था बड़ा ही सादगी पूर्ण और शुद्ध आचरणों वाला था। बड़े ही श्रद्धावान थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, गरीबों की सेवा करते थे, गरीब बच्चों को स्वेटर बांटते, जो बीमार लोग थे उनको दवाइयाँ बांटते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में कोई काम नहीं है तो कहते हैं कि उनको छोटी मोटी दुकानें भी खुलवा के देते थे, किसी को रिक्शा देते थे और किसी को पैसे की ज़रूरत है उसे पैसे देते थे। भगवान के चरणों में उनकी अनन्य प्रीति थी, यानी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। और जब जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी उसकी सहायता वो अवश्य करते थे। बड़े ही धार्मिक और श्रेष्ठ विचारों के पुरुष थे। ऐसे जो पुरुष होते हैं इनकी समाज में हमेशा ही आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान की ऐसी माया है, ऐसी लीला है कि जब जिसका समय पूर्ण हो जाता है तब उसे ही जाना ही पड़ता है। उनके जाने से उनके परिवार के लोग और उनके बंधु बांधव मित्रगण सभी अत्यंत दुखी हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक उनके यहाँ गरुड़ महापुराण की कथा हमने पाठ किया और उनके परिवार के लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से पाठ को श्रवण किया। आज उनकी कथा का भोग था और उससे पहले घर में शास्त्र विधि के अनुसार पूरा वैदिक हवन किया गया, 17 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया, 13 प्रकार के जो सैया दान होते हैं, यानी कि सैया है, पलंग है, नमक, राशन, पानी और यहाँ तक कि स्वर्ण का भी उन्होंने दान दिया उनके बच्चों ने। उनके जो बेटा है वरुण और आशीष, ये भी बड़े श्रद्धावान हैं, बड़े भक्तिवान हैं और बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। उनकी पत्नी जो प्रवीण जी हैं वो भी बहुत भगवान की श्रद्धा भक्ति में सदैव लीन रहने वाली हैं और भगवान से हम यही कामना करते हैं कि उनके परिवार को हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रखें, संस्कारवान बने, फले फूले, यही कामना हम सब लोग करते हैं। और इसी वजह से आज इस शोक सभा में बहुत सारे लोग इस महामारी के लॉकडाउन के होते हुए भी बहुत सारे उनके जो चाहने वाले थे वो सब आए और ये शोक सभा का कार्य आज संपन्न हुआ। जय श्री राम।